नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर, एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसे कि पता ही है, हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर 9th का और 10th का मैथ करते हैं। 9 बजे हमारा 9th का मैथ होता है और 10th और 10 बजे हमारा 10th का मैथ होता है। लेकिन आज से हम अपनी साइंस की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो जो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ वो 9th क्लास का होगा, साइंस का, ठीक है ना। तो 9th क्लास का जो समय है वो आपका समय 2 बजे होगा। रोज़ाना 9th क्लास की वीडियो आपको 2 बजे मिल जाएगी। तो 2 बजे के बाद आप कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अपना साइंस का वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो 10th का समय है वो 10th का समय है 3 बजे, ठीक है ना। अगर कोई 10th का बच्चा हो तो उसको आप बता सकते हैं, 3 बजे हमारे यहाँ से साइंस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं पढ़ाने का थोड़ा आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले तो आप एक रजिस्टर ले लेंगे नोट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मैं वन लाइनर की तरह, जिस तरह से क्वेश्चन है, मैं नोट्स वाइज आपको पहले बोलूँगा और समझाता रहूँगा। जो यूज़ करने वाला वो, मतलब कि कोई समझाने वाली चीज़ है तो मैं आपको वो वर्ड के माध्यम से समझा दूँगा, ठीक है ना। तो और इसके अलावा जिस समय आप वीडियो देख रहे हों उस समय पर आप बिल्कुल ना लिखें, ठीक है ना। उस समय खाली आप वीडियो देखें और समझें, ठीक है ना। लिखने का काम आपको कब करना है, आपके ठीक चलन के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, उसके नीचे मैंने एक लिंक दे दिया होगा। लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी कुछ मैंने आपको आज पढ़ाया है उसका सारा लिखित में आपको नीचे मिल जाएगा, एक PDF फाइल की तरह, ठीक है ना। तो आप उससे वहाँ से बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे चैनल से किस प्रकार से नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको इस तरह का नोट्स मिलेगा वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो क्लास 9th का ये चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट, पहला चैप्टर है ये, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ आखिर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए जो पहला पॉइंट है वो क्या है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, कोई भी सामग्री है, कोई भी चीज़ है, सभी की सभी पदार्थों से बनी है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा है, इसे पदार्थ कहा है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से बनी है मिलकर, वो चीज़ पदार्थ कहलाती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, किताब है, किताब बनाने के लिए जो जो मटेरियल लगाए गए हैं, ठीक है ना, इसको बनाने के लिए जो भी यूज़ हुआ है, ठीक है ना, ये पदार्थों से मिलकर बनी है, ठीक है। मार्कर है, ये पदार्थों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो बस, तो प्रत्येक वस्तु जो किसी भी सामग्री से मिलकर बनी होती है उसी को पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो भी वस्तु होती हैं जो मिलकर बनती हैं किसी भी चीज़ से, वो सब क्या है, पदार्थ से मिलकर बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस हवा में हम, ये पॉइंट लिखने वाला है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी, ये सभी पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो रेत का जो कण है वो भी क्या होता है, सभी ये पदार्थ हैं, समझ में आ गया। पानी की एक बूंद भी पदार्थ से मिलकर बनी है, ठीक है। देखिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये सब स्थान घेरते हैं। देख, कोई वस्तु है वो, इसका कहने का मतलब यह है, कोई भी वस्तु हो वो क्या करती है, स्थान घेरती है। आप इसे कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो ये स्थान घेरेगी, इधर रख लो स्थान घेरेगी, कोई भी बोतल उठा कर रख लो वो स्थान घेरेगी। तो सभी वस्तुएं क्या होता है, स्थान घेरती हैं, ठीक है ना। और सभी वस्तुओं का अपना अपना द्रव्यमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। देखिए, प्राचीन जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पदार्थ 5 तरीके के हैं और इन्होंने इन्हें पंच तत्व कहा। प्राचीन दार्शनिकों ने क्या कहा है, पंच तत्व कहा है, ठीक है ना। पदार्थों को 5 भागों में बांटा और इनको पंच तत्व कहा है। अब हमारे वो पंच तत्व कौन कौन से हैं, ये पंच तत्व हैं अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, ठीक है ना। तो ये आपके 5 तत्व हो गए। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं।
चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो जो प्राचीन वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जितनी भी वस्तुएं बने हैं सारी की सारी पंच तत्व से बनी हैं, और पंच तत्व मैंने आपको बता दिए पांच। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। आपको जो मैं है जो भी जिससे मैं करा रहा हूँ इसका फ़ोटो खींच के बिल्कुल PDF फाइल बना के बिल्कुल वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में। आगे देखते हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रक्रम से वर्गीकृत किया है। देखें, जो अभी फिलहाल आधुनिक माने अभी का, ठीक है ना, जो अभी के आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा है कि भैया पदार्थ उन्होंने दो आधार में बांटे हुए हैं, दो तरीके से, एक भौतिक गुणधर्म वाले एक रासायनिक गुणधर्म वाले। देखिए भौतिक क्या होता है, जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, ठीक है ना, तो वो चेंजेबल भी नहीं होता। ठीक है, और एक रासायनिक प्रकृति से होता है। देखिए जैसे कि भौतिक गुणधर्म में हमें क्या मिला, प्रकृति से पानी मिल गया। ठीक है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर वैज्ञानिकों ने पदार्थ को जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो भागों में बांटा है। ठीक है ना, भौतिक गुणधर्म लिख देता हूँ, देखिए एक तो भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है ना, भौतिक और रासायनिक दो भागों में पदार्थ को बांटा है। ठीक है ना, अब देखिए भौतिक कैसे हो गए, जैसे आपका हवा, हवा हम बनाते तो नहीं है, हमें डायरेक्ट मिल रही है, भौतिक है। जल हो गया, जल डायरेक्ट मिल रहा है, भौतिक है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो प्राकृतिक चीज़ें हमें मिलती है वो भौतिक अवस्था में आती है। अब देखिए रासायनिक में क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाकर, दो पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि जल और दूध को मिलाकर चाय बना दी तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, चीज़ बदल गई, तो ऐसे मिलाकर ये होता है रासायनिक। ठीक है ना, तो रासायनिक, ठीक है ना, एक तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रक्रम में वर्गीकृत किया है। एक बार फिर, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रक्रम से वर्गीकृत किया है। तो ठीक है, इस प्रकार वर्गीकृत किया है। ठीक है, आज के वैज्ञानिक कहते हैं पदार्थ दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं। देखिए, बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं थीं। पहले काफ़ी लंबे समय पहले दो विचारधाराएं चलती थी पदार्थ के बारे में। पहली विचारधारा का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सख्त होता है। तो कुछ लोग तो ऐसा कहते थे कि जो पदार्थ है ना, जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है एकदम ठोस, इस तरह का पदार्थ होता है, सतत होता है। ठीक है ना, और दूसरे कुछ लोग थे वो कहते थे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, पदार्थ रेत के कणों की तरह होता है। ठीक है ना, जो पदार्थ होता है रेत के कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे रेत के कण होते हैं उससे कण मिल मिलकर रेत बनता है, इसी प्रकार से पदार्थ भी कुछ कणों से मिलकर बनता है। तो ये दो विचारधाराएं थी बहुत ज़्यादा जो चली थी पहले पदार्थ के बारे में, जब इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था उस समय पर लोग इस प्रकार से पदार्थ को कहते थे। आगे देखते हैं, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। देखिए जितने भी पदार्थ होते हैं वो हमारे कणों से मिलकर बने होते हैं। आगे चलते हैं, देखिए पदार्थों के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दूसरी बात भी समझेंगे, देखिए पदार्थ हो गया, ठीक है ना, अब तक पदार्थ हमने देख लिया। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा कि कोई भी वस्तु है वो पदार्थ से मिलकर बनती है, लेकिन पदार्थ भी तो किसी से मिलकर बनता होगा। ठीक है ना, तो पदार्थ क्या होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे मिलकर पदार्थ बनता है। एग्जांपल देता हूँ, पानी है, पानी को बांटो और बांटो, बांटते बांटते चले जाओ तो क्या होगा, एंड में एक छोटा सा कण आएगा। ठीक है ना, एंड में ये छोटे छोटे कण होते हैं तो वो छोटा सा कण आएगा, उस कण को वैसे परमाणु बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस टाइम पे तो जो कण हैं, ठीक है ना, उन कणों से मिल मिलकर पदार्थ बनता है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, शायद हम उन्हें देख भी ना पाएं, इतने छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ के तो दिख जाते हैं लेकिन कुछ के ना देख पाएं। ठीक है ना,
या फिर हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितने छोटे होते हैं। तो ये समझ में आ गया, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, देखिए जब हम चाय कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक सीधा सा बताऊँगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में हमने क्या डाला, चीनी डाला, ठीक है, चाय पत्ती डाला, जल डाला, दूध डाला, तो वो आपस में मिल क्यों गए, इसका कारण क्या है कि वो आपस में मिल गए, है ना। तो इसका कारण ये होता है, ये दूध है, दूध के छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, इधर पानी के छोटे छोटे कण हैं, चीनी का भी छोटा छोटा कोई कण है, चाय पत्ती का छोटा छोटा कण है, तो जितने भी इनके कण होते हैं ना, तो इनके अंदर एक गुण होता है, इनके अंदर गुण ये होता है कि इनके अंदर खाली जगह होती है छोटे छोटे कणों में। तो कभी भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं मिलाकर, तो वो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनके अंदर वो घुस जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं वो, तो इस कारण से ये मिश्रण हमारा तैयार हो जाता है, कोई भी चाय कॉफ़ी वगैरह, ठीक है। तो अब देखिए इस लाइन को पढ़ लेते हैं, जब हम चाय कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के जो रिक्त स्थान होते हैं ना खाली, उनमें समावेशित हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसलिए जब नींबू पानी बनाते हैं तो पानी के अंदर पूरे में नींबू मिक्स हो जाता है, चाहे हम कहीं भी थोड़ा सा हल्का नींबू डालें, ठीक है ना, तो थोड़ा तो सबके अंदर हो जाता है। आगे लिखते हैं, देखते हैं, देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देखिए कण क्या है, गति करते हैं, ठीक है ना, कण गति भी करते हैं। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ, पानी है, पानी ऐसे रखा हुआ है, आप इसको गर्म कीजिए, गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर क्या होगा, देखिए उसमें से वाष्प निकलती है, तो वाष्प कैसे निकलती है, जो पानी के कण होते हैं ना, तो जैसे ही पानी के कणों में जैसे ही गर्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके वो उड़ने लगते हैं, ठीक है ना, एक भाप बन जाते हैं और भाप बन के स्वतंत्र हो जाते हैं पानी से वो। तो जो जो कण गर्म होते रहते हैं तो भाप बन के ऊपर को निकलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो देखिए पहले तो पानी ऐसे ही था, तो क्या हुआ, उसकी ऊर्जा बढ़ गई और वो क्या करा, गति करने लगा। तो हम जितना पानी गर्म करते हैं उतनी ही ज़्यादा ही गैस बाहर निकलती है, उतने ही ज़्यादा जो होते हैं कण क्या करते हैं, और तेज़ी से गति करने लगते हैं, ठीक है ना। हम ये देखते हैं ना, गैस जितनी गर्म होगी उतना तेज धुआं निकलता है, तो जो पानी के अंदर जो कण होते हैं ना वो ज़्यादा गर्म करने पर और तेज गति करने लगते हैं, ठीक है ना, इसी कारण से वो सारे कमरे में भी फैलने लगते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। कभी गर्मी सी हो जाती है कमरे में, बंद कमरे में आग जला देते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही उसमें से कण गर्म होकर उठते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाते हैं, तो इसलिए पूरे कमरे में गर्मी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो कण क्या होते हैं, जो भी कण होते हैं, जितने भी कण हैं, सबके सब एक तापमान बढ़ने पर गति करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कण में गतिज ऊर्जा होती है, कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। देखिए पदार्थ के कण क्या होते हैं, अपने आप ही एक दूसरे में अंतः मिश्रित भी हो जाते हैं, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। देखिए पदार्थ के कण आपस में क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, आप देख भी सकते हैं, स्वच्छ वायु में धुआं मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता, जो फैक्ट्री इलाके में रहते होंगे उन्हें पता चलता है, ठीक है ना। प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण हो रहा है, हवा में मिक्स आ रहा है, हमारी सांस के अंदर चला गया, तो मिक्स है वो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि वायु इधर है और प्रदूषण इधर है, वो हम अलग अलग हमारे जा रहा है बस, हम ठीक है ना, चलो फिलहाल समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का श्वेत मिलना ही मिश्रण कहलाता है। देखिए जब दो कण आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे भी मिलते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है मिश्रण, ठीक है ना। दूध नींबू पानी जो बनता है किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, मिश्रण प्रक्रिया द्वारा बनता है, ठीक है ना। मिश्रण होता है उनके बीच में, चाय कॉफ़ी में मिश्रण होता है, ठीक है ना, चाय बनाते हैं तो दूध और जल का मिश्रण होता है, तो ये होता है मिश्रण बोलते हैं, जब इस तरीके से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए गर्म करने पर मिश्रण तेज होता है, हमने देखा ना, जैसी अब चलो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल आपका
आप रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं, ठीक है ना। अब रसगुल्ले की चाशनी में क्या करते हैं, आप एक काम करो, रसगुल्ले की चाशनी बनाने से पहले उसमें चीनी डालो भगोने में, पानी डाल दो और एक तरफ ऐसे रहने दो, ठीक है ना। फिर दूसरा भगोना लीजिए, उसमें पानी डालिए, चीनी डालिए, उसको गर्म कर दीजिए, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए किस कौन से भगोने में जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे ये दोनों, तो जो गर्म कर रहे हैं उसमें मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो इसी में यही कहना चाह रहा है, गर्म करने पर क्या होता है, विसरण तेज होता है, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा मिलेगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना भाई। चीनी और पानी मिला, चीनी और पानी मिलने क्यों मिल गया भाई, क्योंकि चीनी के कण और पानी के कण दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए जो बल जो लगता है उसे कहते हैं आकर्षण बल, ठीक है ना। कणों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं, कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा, ठीक है। आगे लिखते देखते हैं, आकर्षण बल का, देखिए सभी के अंदर आकर्षण बल अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि सब कण के अंदर एक जैसा होता है, तो सभी कणों में अलग अलग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, पदार्थ अपने तीन रूप में होता है, देखिए पदार्थ तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। तो सभी जो ठोस क्यों है, गैस गैस क्यों है, द्रव क्यों है, ये होता है उनके कणों की गुण के कारण, उसके गुण अलग हैं कण के, तो इसलिए वो ठोस है, किसी के गुण अलग है तो द्रव है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखिए वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, पहला वीडियो है। और इसके अलावा आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अगर जो भी नया बच्चा है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। कल हम ठोस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में खाली इतना ही।